दोस्तों आदि पुरुष मूवी को रिलीज करने से पहले आदि पुरुष को मेकर्स ने एक बड़ी घोषणा की है। मेकर्स ने कहा है कि आदि पुरुष की स्क्रीनिंग के दौरान थिएटर में एक सीट भगवान हनुमान के लिए खाली छोड़ी जाएगी, क्योंकि जहां राम कथा होती है वहां हनुमान मौजूद होते हैं। मेकर्स ने यह फैसला लोगों की आस्था को देखते हुए लिया है। फिल्म देश भर के थिएटर में 16 जून को रिलीज होगी। मंगलवार को फिल्म की टीम की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इस बयान में कहा गया है कि जहां भी रामायण का पाठ किया जाता है वहां भगवान हनुमान की उपस्थिति होती है। इसी विश्वास के साथ आदि पुरुष की स्क्रीनिंग करने वाले हर थिएटर में भगवान हनुमान के लिए एक सीट खाली छोड़ी जाएगी। सोशल मीडिया पर मेकर्स के इस फैसले की तारीफ की जा रही है। वहीं कुछ लोग इसे फिल्म प्रमोशन के तौर पर देख रहे हैं। आदि पुरुष 16 जून को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ 5 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। इससे पहले मेकर्स ने पिछले साल दशहरे के मौके पर अयोध्या में आदि पुरुष का भव्य टीजर लॉन्च किया था, जिसे ऑडियंस से बहुत खराब रिस्पॉन्स मिला था। किरदारों के खराब लुक और वीएफएक्स के चलते फिल्म का बहुत मजाक बनाया गया था। इतना ही नहीं, मेकर्स पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप भी लगाए गए थे और इसे बैन करने की भी मांग की गई थी। लेकिन पिछले महीने में मई में रिलीज हुए फिल्म के नए ट्रेलर से मेकर्स ने सभी विवादित सीन हटा दिए थे। वीएफएक्स को भी पहले से काफी बेहतर बना दिया है।